हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 2 अगस्त से, उसके जो है पिछले 6 महीनों के जो है टॉप 50 करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपको 100% यहाँ से गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, और बगल में आपको जो है घंटे का निशान यानी बेल आइकन दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का जो प्रमुख है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है ये अरविंद कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो अरविंद कुमार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, रॉक का प्रमुख जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, रॉक का प्रमुख जो है हाल ही में ये सामंत गोयल को नियुक्त किया गया है। तो सामंत गोयल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का जो खिताब जीती है ये प्रिया सिराव ने जीती है। और ये कौन से देश से रहने वाली है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इंडिया देश से रहने वाली है। तो प्रिया सिराव जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, कौन सबसे तेज जो है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला क्रिकेटर बन गया है। तो देखिए, विराट कोहली जो है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले जो है क्रिकेटर बन गए हैं, और इन्हें जो है रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने कितनी पारियों में जो है 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 417 पारी में जो है इन्होंने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो विराट कोहली जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, किसने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेड इंक पुरस्कार 2019 जीता है। तो देखिए, द टिब्रियन ने जो है खैरा रचना के लिए इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है। तो अगर रचना का पूछा जाए दोस्तों तो खैरा रचना के लिए इन्हें दिया गया है, और किसको दिया गया है, तो द टिब्रियन को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों, भारतीय तटरक्षक ने जो है नए महानिदेशक कौन होंगे। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक के जो नए महानिदेशक होंगे ये कृष्ण स्वामी नटराजन होंगे। तो कृष्ण स्वामी नटराजन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, दुनिया की नंबर एक महिला जो है टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए, दुनिया की जो यानी विश्व की जो नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है ये एस्ले बार्टी बनी है। तो एस्ले बार्टी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि एस्ले बार्टी जो है ये किस देश के लिए खेलती है, तो ये भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2019 जो है महिला एकल वर्ग किसने जीत दर्ज की है। तो फ्रेंच ओपन 2019 का जो महिला एकल वर्ग में जीती है वो एस्ले बार्टी ने जीती है। तो एस्ले बार्टी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि विश्व बैंक ने जो है झारखंड सरकार के लिए कितना मिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत किया है। तो विश्व बैंक ने जो है झारखंड सरकार के लिए 147 मिलियन डॉलर जो है दोस्तों ऋण स्वीकृत किया है। तो 147 मिलियन डॉलर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, पुरुष की जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है। तो पुरुषों में जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो जीते हैं ये पंकज आडवाणी ने जीता है। तो पंकज आडवाणी आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में जो है केंद्र ने किस राज्य के लोगों को जो है मुफ्त डीडी सेटअप बॉक्स वितरित किया है। तो हाल ही में जो है केंद्र ने जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को जो है मुफ्त डीडी सेटअप बॉक्स वितरित किया है। तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, फिच ने जो है 2019 और 20 वित्त वर्ष के लिए जो है भारत की विकास अनुमान दर कितना % बताया है। तो
फिच ने जो है 2019 और 20 वित्त वर्ष के लिए जो है भारत का विकास अनुमान दर जो है ये 6.6% बताया है। तो 6.6% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि फिच ने जो है अगले वित्त वर्ष यानी 2020 से 21 के लिए जो है अपनी जीडीपी वृद्धि का अनुमान 2021 से 22 के लिए कितना बताया है। तो 2021 और 22 के लिए जो है 7.1 से जो है 7% बताया है। तो 7.1 से 7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों किन दो देशों के जो है राष्ट्रीय चैनल अब डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध होगा। तो देखिए बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया दो देश के जो है राष्ट्रीय चैनल पर अब डीडी फ्री डिश होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों फ्रांस चाइनीज बहरीन मोनाको स्पेनिश कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2019 के विजेता कौन रहे हैं। तो देखिए फ्रांस चाइनीज बहरीन मोनाको स्पेनिश ये सभी देश के जो ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता रहे हैं ये लुइस हैमिल्टन रहे हैं। तो लुइस हैमिल्टन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड प्रिक्स आपको बता दें दोस्तों आप सुने होंगे F1 फॉर्मूला रेस, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो वही है जो ग्रैंड प्रिक्स है यही है। ठीक है, तो इसका जो खिताब जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों अजरबैजान ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 के विजेता कौन रहे हैं। तो अजरबैजान ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 के जो विजेता रहे हैं वो वाल्टेरी विक्टर रहे हैं। तो वाल्टेरी विक्टर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये टोटल जो 50 क्वेश्चन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इसे बिल्कुल भी रट कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ है। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2019 का जो हुआ है ये आपका जापान की राजधानी ओसाका में हुआ है। तो ओसाका जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ पे होगा तो सऊदी अरब में होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। 2021 में कहाँ पे होगा G20 शिखर सम्मेलन तो ये इटली में होगा, और 2022 में कहाँ पे होगा तो ये इंडिया में होगा, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ होगा। तो देखिए G7 जो शिखर सम्मेलन 2019 में होगा ये फ्रांस देश में होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, G20 अगर पूछे तो आपका जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि G20 जो हुआ है वो आपका जापान की राजधानी ओसाका में हुआ है, और यहाँ पे G7 है। ठीक है, तो G7 जो शिखर सम्मेलन होगा 2019 में ये फ्रांस देश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है कौन सा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर रहा है। तो देखिए नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है वो केरला राज्य रहा है। तो केरल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों भारत ने जो है विश्व बैंक के साथ कितना मिलियन डॉलर के लिए जो है ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने जो है विश्व बैंक के साथ $400 मिलियन के ऋण के समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो $400 मिलियन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किस लिए हस्ताक्षर किया तो ये भी आपको याद रखना है कि टीबी को समाप्त करने के लिए जो है $400 मिलियन पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों भारत ने जो है अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन के लिए नाइजर को कितना $1 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। तो देखिए जो सहायता दी है यानी $15 मिलियन की जो है वित्तीय सहायता दी है। तो 15 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों मणिपुर के राज्यपाल के रूप में जो है किसने शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में जो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में जो है ये PB आचार्य ने शपथ लिया है। तो PB आचार्य जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों विश्व दूध दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। और अगर विषय पूछा जाए दोस्तों कि विश्व दूध दिवस का जो 1 जून को मनाया गया था 2019 में उसका विषय क्या था, तो उसका जो विषय था ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों ADB ने जो है त्रिपुरा में कितना करोड़ रुपए का जो है बुनियादी ढांचे का परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी है। तो ADB ने जो ADB जो ने है त्रिपुरा में
1650 करोड़ रुपए का जो है दोस्तों बुनियादी ढांचे का परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी है। तो 1650 करोड़ जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने जो है कहाँ अपना नया मुख्यालय खोला है। तो IOC ने जो है अपना स्विट्जरलैंड में नया मुख्यालय खोला है। तो स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है ये कब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है ये 23 जून को मनाया जाता है। तो 23 जून जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों इंडिया के सिटी में जो है हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय कहाँ खोला गया है। तो इंडिया के सिटी में जो है हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय जो है ये मथुरा यानी UP राज्य में खोला गया है। तो मथुरा जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों हाल ही में जो है किस चप्पल को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में जो है दोस्तों नमना कोल्हापुरी चप्पल को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस 2019 का विषय क्या था। तो देखिए विश्व शरणार्थी दिवस 2019 का जो विषय था वो स्टेप विथ रिफ्यूजेज टेक ए स्टेप ऑनवर्ड रेफ्यूजेज डे था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना बड़ा है। ठीक है, विषय आपको याद रखना है स्टेप विथ रेफ्यूजेज टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजेज डे, वर्ल्ड रेफ्यूजेज डे। ठीक है, तो ये आपको विषय याद रखना है। और कब मनाया गया था विश्व शरणार्थी दिवस, तो ये 20 जून को मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों दुनिया में जो है सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में शामिल इकलौते भारतीय कौन है। तो देखिए दुनिया में जो सर्वाधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में जो इकलौते भारतीय शामिल थे वो विराट कोहली थे। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों पॉल्यूशन चार्ज जोन को जो है लागू करने वाला पहला शहर कौन बन गया है। तो लंदन एक ऐसा शहर बन गया दोस्तों जो पॉल्यूशन चार्ज जोन को जो है लागू करने वाला पहला शहर बन गया है। तो लंदन जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला जो है विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है। तो देखिए व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला जो विश्व का पहला इस्लामिक बैंक बना है वो अमीरत इस्लामिक बैंकिंग बना है। तो अमीरत इस्लामिक जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों गूगल ने जो है किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है। तो गूगल ने जो है ऑस्ट्रेलिया देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी की सेवा जो है वो शुरू की है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जो है कौन सा बैंक भारत का शीर्ष बैंक बना है। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जो है HDFC बैंक जो है भारत का शीर्ष बैंक बन गया है। तो HDFC जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में जो है स्वर्ण पदक किस इंडियन ने जीता है। तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो 2019 में हुआ था उसमें जो है मीना कुमारी मैसनम ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो मीना कुमारी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है एक स्वर्ण और दो रजत पदक भी जीती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों पहली भारतीय महिला जो है FRS कौन बनी है। तो पहली जो भारतीय महिला FRS बनी है ये गगनदीप कांग बनी है। तो गगनदीप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से जो है किन्हें सम्मानित किया गया है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से जो है ये सुनील कुमार गौतम को सम्मानित किया गया है। तो सुनील कुमार जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2019 में जो है भारत 17वें स्थान पर रहा है। तो 17वां जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स ऑफ कैंसर जो है 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ कैंसर जो है ये प्रोपर डेनिश 2019 में जो है भारत को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 19वां जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, अप्रैल 2019 में जो है किस देश ने रामायण के विषय पर जो है विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो 2019 में जो है इंडोनेशिया देश ने जो है रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो इंडोनेशिया जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मैं वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका कल एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट लिस्टेड जो है क्वेश्चन वही लेकर आया हूँ और जल्दी मैं आपको सब कुछ बता दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मुकाबला करने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो मुकाबला करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं ये बजरंग पूनिया बन गए हैं। तो बजरंग पूनिया जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए एस किरण कुमार को जो है अध्यक्ष को जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एस किरण कुमार जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसरो का मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो बेंगलोर में जो है इसरो का मुख्यालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, मई 2019 में जो है नाटो कमांडर के रूप में किसने शपथ लिया है। तो मई 2019 में जो है नाटो कमांडर के रूप में ये टार्ड वोलेटर्स ने शपथ लिया है। तो टार्ड वोलेटर्स जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए जो है शुभंकर क्या चुना गया है। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रीय खेल होगा उसके लिए जो शुभंकर चुना गया है ये क्लाउडेड तेंदुआ को चुना गया है। तो यहाँ तेंदुआ जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जो है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कब तक इंडिया सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार जो है इंडिया जो है 2022 तक सबसे आबादी वाला देश हो जाएगा। तो 2027 जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 2019 का विषय क्या था। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका 8 मई को मनाया गया था 2019 में, और इसका जो विषय था वो हैशटैग लव था। तो लव जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में जो है आईसीसी ने किन दो टीमों को जो है वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच का दर्जा दिया है। तो हाल ही में जो आईसीसी ने अमेरिका और ओमान को जो है दो टीमों को जो है वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच का जो है दर्जा दिया है। तो अमेरिका और ओमान जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों, ट्रेन 18 का नया नाम जो है क्या कर दिया गया है। तो ट्रेन 18 का जो नया नाम बदल कर जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है 2019 में किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है 2019 का ये बैनी एंटनी को प्रदान किया गया है। तो बैनी एंटनी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं एक आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि किस बैंक ने जो है भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन शुरू किया है। तो एसबीआई बैंक ने जो है भारत का पहला ग्रीन कार्ड जो है लोन शुरू किया है। तो एसबीआई जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे जो है डोपिंग मामले में 8 महीने के लिए सस्पेंड किया है। तो बीसीसीआई ने आपको इसको जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना। ऑप्शन में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा। तो इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।